हेलो दोस्तों, आज मैं और एक नाश्ते के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। सुबह नाश्ता बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है, तो इसी कम टाइम में हमें नाश्ता बनाना होता है। तो ये पैनकेक बहुत ही कम टाइम में बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना है। अंदर से मुलायम और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आइए फिर देखते हैं इसकी रेसिपी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीना बिराजदार और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल घर का खाना। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी सूजी, और सूजी में मैंने ऐड कर दिया है 1.5 चम्मच नमक। नमक ऐड कर देने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और पानी डालते डालते हमें इसे अच्छे से हिलाना है और इसका एक अच्छे से बैटर बना देना है। इसका बैटर बनने के बाद मैंने यहाँ पे रखा है गैस के ऊपर एक पैन। अब पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया मैंने इसमें डाल दिए सबसे पहले राई, और राई डालने के बाद मैंने उसी में डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। जीरा और राई अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने उसमें डाला है बारीक कटा प्याज, ये दो बड़े प्याज मैंने लिए थे यहाँ पे, और उसमें डाल दिए हरी मिर्च। हरी मिर्च और प्याज को हमें अच्छे से पका लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करी लीव्स बारीक कटे हुए। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक हमें इसे पकाना है। ब्राउन होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ में लिए थे, जिसे मैंने बहुत ही बारीक बारीक कट किए हैं। इसे मेल्ट होने तक हमें पकाना है। मेल्ट होने के लिए मैंने यहाँ पे जल्दी से ही नमक डाल दिया है। 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने नमक डाल दिया है, ऊपर से ढक दिया है। हमें इसे 2 मिनट ऐसे ही पकाना है। 2 मिनट के बाद में आप देख सकते हो टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं। इसी स्टेज में हमें डालना है बंद गोभी बारीक कटी हुई, इसे भी हमें अच्छे से उसमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। अब इसमें डालना है हमें बारीक कटा हुआ गाजर। गाजर भी मैंने डाल दिया है, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो इस तरह से हमें मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। इसे हमें गलाना नहीं है और ना ही इसका क्रंचीपन कम होने देना है। फिर से हमें इसे थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करने के लिए 2 मिनट के लिए इसे पकाना है, इसलिए मैंने इसे ढक दिया है। ढकने से इसका कच्चापन तुरंत निकल जाता है। आप देख सकते हो इसका कच्चापन पूरा तरह से निकल चुका है, लेकिन इसका क्रंचीपन बना हुआ है। तो इसी स्टेज में हमें इसे निकालना है और जो बैटर हमने बनाया था सूजी का उसे में डाल देना है। इसे मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये पैनकेक का बैटर तैयार हो चुका है। अच्छे से इसे मिक्स करना है। इसके बाद में मैंने डाल दिया है इसमें हरा धनिया। हरा धनिया से स्वाद और अच्छा हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस पे मैंने एक तवा रखा हुआ है, तवे पे मैंने अच्छे से ऑयल ग्रीस कर दिया है। अब हम लोग इस पे डालेंगे छोटे छोटे पैनकेक। पैनकेक डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा स्पून यूज़ किया है, जो कि टेबल स्पून होता है। टेबल स्पून की मदद से मैंने छोटे छोटे यहाँ पे पैनकेक बनाए हुए हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही बैटर हमें यहाँ पे डालना है, ताकि पैनकेक अच्छे से बने। ज़्यादा बैटर डालोगे तो बड़े बड़े पैनकेक बनेंगे।
तो टिफ़िन में देने के लिए आसानी नहीं होगी, इसलिए छोटे छोटे पैन के खमे बनाना है, ये टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता है। सुबह सुबह बच्चे स्कूल निकल जाते हैं तो फटाफट ये बनने वाला नाश्ता है, बच्चों का टिफ़िन भी जल्दी से रेडी हो जाता है। तो ईजी और क्विक बनने वाली ये रेसिपी है और खाने में बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। इसे हमें स्लो गैस पे ही बनाना है। तो ये अच्छे से ब्राउन कलर के बन चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से ये मुलायम, और पूरी वेजिटेबल्स इसमें है तो बच्चों के पेट में वेजिटेबल्स तो जानी ही है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, उनके पेट में प्रॉपर खाना नहीं है। तो ये बच्चों के पेट में भी सब्जियां और हेल्दी नाश्ता चला जाएगा तो अपना दिमाग भी शांत रहेगा। आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से आराम से पक चुके हैं, इसका कलर ब्राउन हो चुका है, ये पैनकेक एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत सुंदर है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करना। ये चटनी और सॉस के साथ में आप आराम से खा। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।